जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छा गुसाई करी चरण वंदन जाओ इति विघ्ननाश अभीष्ट पुरन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री गुरु महाराज की जय गुरु परंपरा की जय सर्व संतन भक्तन की जय वृंदावन धाम की जय धामवासी भक्तवृंद की जय जय ब्रज श्रीमती श्री राजनी की जय जय कीर्तनधाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय 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 नवदीप गौर धाम की जय जय सपार्श गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय संकीर्तन गाय भक्त बिन्न की जय और परमानंद हरिनाम चिंतामणि। अभी तक हम लोगों ने सुना चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास लेकर के और क्षेत्रधाम में आए, आकर के यहाँ पर काशी मिश्र के आलय में गंभीरा में स्थित हो गए और वहाँ बैठ कर के प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तों के साथ भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, जो कि हमारे प्रत्येक जीव के लिए प्राणी मात्र के लिए संबंध एवं संबंध के बाद अभिज्ञ तत्व अर्थात संबंध होने के बाद यदि हमारा प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त नहीं होता है और उनके प्रीति विधान के लिए हम अपने को सदा सर्वदा समर्पण नहीं कर सकते, नियुक्त नहीं कर सकते, हम कुमार्ग में चले जा सकते हैं, विपदगामी हो सकते हैं, हमारा मार्ग अलग हो सकता है। इसी सदा सर्वदा ये श्रवण कीर्तन रूपी जल से सेचन करेंगे तब मूल लता गोलोक वृंदावन तक पहुँचेगा। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से यदि भक्ति लता का बीज मिलता है, किंतु साधक को चाहिए श्रवण कीर्तन करना और अन्य श्रवण कीर्तन करने से हम अन्य मार्ग में चले जाएंगे। इससे ये जो अनुरागमयी राजमार्ग है, रागात्मिक ब्रजवासीजन प्रतिदिन कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, ये उनका धर्म है और यही उनके लिए रस है। अब महाप्रभु आए, आने के बाद में स्वयं भगवान, किंतु उन्हें देखा कि भक्त जो भक्ति करते हैं, आचरण करते हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति कितना ममता है, कितना अनुराग है और अनुराग के मार्ग को कैसे फॉलो करते हैं, ये सब जीव के लिए कल्याणकारी है। केवल मात्र सिद्ध अवस्था में रह करके सब साधन साधन को हम पुष्ट नहीं कर सकते। इससे साधक सिद्धों के निकट रह करके एवं साधन मार्ग में चल करके अपने साधन दशा को अर्थात पुष्ट कर सकते, अपने भाव दशा को पुष्ट कर सकते। महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को देखा और उनके निकट बैठ करके उनसे कुछ सुनने लगे, क्योंकि यदि वैष्णव को श्रद्धा नहीं करेंगे और वैष्णव की महिमा गुणगान हम नहीं जानेंगे तो न कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता। अब मैं यदि जंगल का शेर बन गया, सवा शेर, और मैं किसी को मानता नहीं, गिनता नहीं, सब कुछ सोचता हूँ जैसे शेर समझता है कुत्ता मेरा रसगुल्ला है, मेरा भोजन है, मैं शेर हूँ, तो महाप्रभु
ये वैष्णव धर्म में ऐसा नहीं सिखाया, ये स्पर्धा है, ऐसा नहीं। वैष्णव धर्म कैसे है अब दिखा रहे, वैष्णव होकर के कैसे होंगे अपना के माने तीनापेक्षा दीन दैन्य दया अन्यवान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी हुए करह कीर्तन होइलेव सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा छाड़ी कर अमाने हृदय। तो ओ महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को बैठा करके उनसे कथा सुन रहे, क्योंकि महाप्रभु जी सम्मान प्रदर्शन करेंगे तो सारा जगत हरिदास ठाकुर जी के निकट जाकर के सम्मान प्रदर्शन करके उनके साधन का जो फल है, सिद्ध भूमिका के साथ जो उनका संबंध है और अभिदत उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि होता है वो लाभ को उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए बोला, यदि मैं खुद ही मालिक और गुरु और आचार्य बन गया और वैष्णव को मैं सम्मान नहीं देता, उनकी कथा कीर्तन हम नहीं सुनते, तो सब लोग क्या कहेंगे, ये एक ही है माँ भागवत और कुछ वैष्णव भी नहीं है, उनका अनादर अवज्ञा करके वैष्णव जगत से वो लोग तिरस्कृत करके पतित हो जाए। इससे वैष्णव मात्र जो भगवान के प्रिय कार्य करते हैं, भगवान के प्रिय है, उनका सम्मान देना ही भगवान का सम्मान देना है। और उनके मुखारविंद से मुखस्थित वाणियों को श्रवण करने का यह तात्पर्य है, ये हमारी परंपरा का आदर है, सम्मान है, और इसके द्वारा हम तृप्त तुष्ट पुष्ट हो सकते हैं। जैसे केवल मात्र कहते हैं भगवान ब्रह्म पांच जगह में स्थित है, अन्नमय ब्रह्म, मनमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म है और प्रज्ञानम ब्रह्म। अब वेदांत सूत्र में ऐसा बतलाया, किंतु अन्नमय ब्रह्म कहने से केवल अन्न ही भोजन नहीं किया जाता है, अन्न के साथ में रस चाहिए, नहीं तो अन्न कोई नहीं खा सकता। मिर्ची भी चाहिए, नमक भी चाहिए, और सब्जी भी चाहिए, और घी भी चाहिए, उसके साथ में दूध भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, ये पुष्टिवर्धक। ऐसे ही भगवत कथा रसमय ठीक है, किंतु उस भगवत वाणियों को किस किस भक्तों ने किस प्रकार से ग्रहण किया, अपने आचरण में लाया, वो तत्व जानना जरूरी है। इसे अभी सुनाना सुन भागवत के कि दशम स्कंद में कृष्ण लीला है, कृष्ण कथा है, किंतु ये कथा क्या, ईशान कथा, स्वर्ग विसर्ग ये क्या है, ईशान कथा। ईशा दो प्रकार के हैं, भगवान ईशा अर्थात पूज्य है, किंतु भगवान के जो प्रिय है भक्त है वो भी पूज्य है। पूजा प्रतिविधान सीखना है तो भक्तों से सीखो। इससे शुद्ध गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को ये भक्त की कथा और सब सुनाया, श्रद्धा उत्पन्न कराया, भक्त के तरह भक्ति है, भक्ति को ग्रहण करने के उपाय बताया, कैसे प्रहलाद ने भक्ति की, कैसे ध्रुव ने भक्ति की, अम्बरीश महाराज ने कैसे भक्ति की, और हमारे चित्रकूट महाराज ने कैसे भक्ति की। कहते हैं वृत्तासुर बखान है तो ये भागवत समझो, एक असुर होकर के किस परिस्थिति में रह करके प्रत्येक मुहूर्त में भगवत स्मृति से अलग नहीं हुई। अविस्मृति कृष्ण पदारविंद वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन है, कहते हैं अब खिनत अविस्मृति कृष्ण पदारविंद खिनत अभद्रानि च संतनोति सत्य से शुद्धि परमात्मा भक्ति ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्त। तो ये ईशान कथा नहीं होने से काम नहीं चलना है, एक साल में भगवत कथा सुना दो बोलने में जाएगा, कुछ नहीं कर सकता, क्यों, साधन का क्रम नहीं जाना, साधन करा नहीं, श्रद्धा उत्पन्न हुए नहीं, कृपा मिला नहीं। इसे यह मत समझना केवल मात्र जो आचार्य और गुरु हो गए उनमें भक्ति है, अरे उनके प्रति जो भक्ति करने वाला है वो भक्त है। भगवान इसे कहते हैं मेरा भक्त नहीं है, कौन है भक्त, मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरा भक्त है, क्यों, मेरा भक्त तो मेरा है ही है, किंतु औरों के अंदर भक्ति आएगा कहाँ से, मेरे भक्तों का अनुसरण करके तब ना। इससे
शास्त्र में सुखदेव गोस्वामी ने यह श्रीमद भागवत में शुरुआत कर दी, पहले से ही नारद जी से है। और सुत सनकादि संवाद, देखो सुख संवाद नहीं बतलाया, सुत सनकादि संवाद शुरू कर दिया। कौन ने? वैष्णव जी ने। सुत गोस्वामी ने कैसे वंदना की परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी की, वो वर्णन दिया। वो उनकी वंदना करवाया किससे? सुत गोस्वामी से। मेरा गुरुदेव कैसे हैं? ओ सर्वभूतलीयस्तम मुनिमानतोऽस्मि, मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जो सब प्राणियों के देवी विराजमान है, विराज हो सकते हैं, जगह बना सकते हैं, ऐसे मेरे गुरु हैं। कैसे हैं? परिव्राजक शिरोमणि। मेरे गुरु कैसे हैं? हैं? इसे जो गुरु के सम्मान दे सकता है उनसे गुरु भक्ति सीख सकते हैं। गुरु तो कहेंगे नहीं मेरे भक्ति करो। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की, सुखदेव गोस्वामी ने उनकी महिमा सारा वर्णन कर दिया, सबके हृदय में गुरु भक्ति सिखाया, आत्म तत्व ज्ञान दे दिया। सनकादि ऋषियों का अभिमान था, मैं इतना बड़े बूढ़े दाढ़ी पक गया, वृद्ध हो गया, ज्ञान का भंडार है। पहले बोला सुत उवाचो, सुत कह रहे हैं, बाद में नहीं कहा, सुत गोस्वामी कहने लग गए। और यह नहीं सम्मान पूर्वक, क्यों? सुत गोस्वामी ने सिखा दिया यह शरीर ब्राह्मण शरीर हो सकता है, यह शरीर कैसे मिल सकता है, साधन शरीर के द्वारा हो सकता है, जब तक इस अभिमान से अलग नहीं हो सकता, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, तब तक भगवत कथा हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, उतरेगा नहीं। इससे सुखदेव गोस्वामी की इतना कथा सुनने पर भी हैं परीक्षित महाराज चिंता हो गए, किंतु इन लोगों का जैसे कि तैसे, इन लोगों ने इससे प्रश्न किया, हमारा क्या कमिटी सुखदेव गोस्वामी उसको पूरा कर दिया, क्या आप वर्ण एवं आश्रम धर्म में शरीर और मनोधर्म में आप अभी भी अवस्थित हैं, आपका अभिमान है ब्राह्मण हूँ, मैं ऋषि हूँ और प्राज्ञ हूँ, तत्वज्ञ हूँ, इससे अलग किया सुखदेव गोस्वामी ने। 5 साल के बच्चे में क्यों? उन्होंने कहा मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु जी ने मेरे लिए हरि कथा सुनाया और गुरु की महिमा मैंने जाना, हमारे गुरु परिव्राजक हैं। उन्होंने कहा जम प्रजंतम उपेत अवेद कृतम द्वैपायन विरह कातर आयु भाव, तो बैठे जी ने ढूंढा उनको मिला नहीं, पुत्र पुत्र का करके पीछे पीछे गया नहीं मिला, क्यों? अभिमान था मेरा पुत्र, मैं बाप हूँ, यह अभिमान जन्म का कर्म का, यह अभिमान से आत्म तत्व नहीं जाना जा सकता। इससे बताया जम प्रजंतम अवेद अनुपेदम अवेद कृतम द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्र तम सर्वभूत मुनि मानते, हमारे गुरु मुनि मनुष्य सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले और जगह बनाने वाले और स्थित होने वाले, क्यों? भगवान सर्वत्र है, हमारे गुरु भगवान के सेवक है, प्रिय परिव्रजक है। उनको जानने के लिए सुत गोस्वामी ने शरीर धर्म मन धर्म से अलग किया करके आत्मधर्म प्रतिष्ठित किया, तब भक्ति का आचरण आलोचना शुरू कर दी। और कैसे कैसे हुए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्तर बाय स्तर क्रमांक वर्णन किया। इससे ईशान कथा है, इस अनुकथा, इस कथा नहीं ईशान कथा, नहीं तो कहते ईशा वैश्य मित्र सर्व जत किंत जगत तंग जगत ईश्वर कथा कह सकते नहीं, इस कथा कहने से नहीं काम चलेगा, केवल भगवत कथा हरी हरी कथा होने से नहीं होगा। इससे बताया चित अनुशीलन, चिदानुशीलन, हाँ ये अनुशीलन, ये भक्त का हृदय भक्ति से सराबोर है, भक्त का गुण महिमा सुनने से भक्ति आएगा। इससे हम लोग अहोभाग्य है, हम लोग यदि वैष्णव से गुरुवर्गों से हम ये सब चीज ग्रहण करेंगे तो हमारा आत्मकल्याण हो सकता है। इसलिए वैष्णव का महिमा को समझना है, उनसे कथाओं को सुनना है, ये कथा सुनना मतलब उनका आशीर्वाद और स्नेह, स्नेह हमारे ऊपर वर्षित होगा। आज यदि उनका नहीं सुनते हैं, आदर नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते, इसे सिखाया सुख परीक्षित महाराज को, देखो आदर कैसे देना होता है सब वैष्णव। ध्रुव प्रहलाद को कम मत समझना, वृत्तासुर को छोटा मत समझना, हाँ और अम्बरीश महाराज साधारण नहीं समझना, कैसे भक्ति करते थे। इसलिए श्रद्धा के द्वारा
ये मुक्ति मार्ग में प्रवेश करने का बड़ा सहज सरल हो जाता है। इसे महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी के मुख से मुखारविंद से कथा सुन रहे और हम लोग के रिकॉर्ड परिवेशन कर रहे। जब तक साधु के चरणाश्रय नहीं करते हैं तब तक भक्ति का मार्ग साधन मार्ग हमारे हृदय में आएगा ही नहीं। हम जानते नहीं भगवान है यहाँ विराजमान जगन्नाथ, जगन्नाथ से प्रेम कैसे होगा। कल सुना ना महाप्रभु जी ने कहा एक दिन आया भग गया, दो मिनट आया भग गया, प्रसाद खाया तारीफ किया भग गया, फिर जाकर अपने मनमानी खाने लग गए। तीन में प्रेम नहीं और उसमें प्रेम है भाग रहे। जगन्नाथ प्रेम होता है उनको छोड़कर क्यों जाते। तो दिखाई जाता है ये दिखावटी है। वो बांग्ला में कहते लोग दिखा रहे गोरा भजा तिलक मात्र धोरी गोपाल अत्याचार गोरा धरे चूरी। लोगों को दिखाने के लिए कहाँ गया तीर्थ में, कहाँ गया पाठ पूजा करने में। किंतु पाठ पूजा करने का फल क्या है। पाठ पूजा के साथ तो वो प्रभु के साथ इष्ट के साथ मित्रता हो, उनसे मित्रता छोड़ करके चमड़ी और दाड़ में भाग रहे तो कहाँ मित्रता है, कहाँ प्रेम है। इस प्रेम को वर्धित करने के लिए, चिरस्थाई करने के लिए उत्तरोत्तर स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इससे महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी से पूछा। हरिदास ठाकुर जी कहने लगे देखो सबसे पहले हम लोग को भगवत तत्व को जानना चाहिए। कृष्ण क्या चीज है, माया क्या चीज है। यदि नहीं जानेंगे माया का भजन करेंगे और कहेंगे कृष्ण भजन है कैसे, तब वर्णन देते हैं भगवान और भगवान की शक्ति है पराशक्ति और एक अपराशक्ति। यहाँ वर्णन शुरू किया कृष्ण तत्व जानना है तो कृष्ण के प्रकाश को जानना जरूरी है। सर्वशक्ति जिसको चित शक्ति कहते हैं वहाँ चित वैभव है और जल शक्ति का जल वैभव है, माया शक्ति का माया वैभव है। और ईश्वर उपासना करते हैं, हरिनाम करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, तीन रात माया वैभव हमें चाहिए। बकरी बकरा सुअर कुत्ते गधे जमीन जजा नित्यार्थी दिन मृत्यु न दुर्लभ न आत्म मृत्यु न गृह आपत्त पशु की काव्य शादी चले। हमें केवल दिन भर बस माया का वैभव चाहिए, गाड़ी बाड़ी मकान दुकान घाट बाट ये सब चीजें। तो जब माया का वैभव के लिए हम उपासना करते हैं तो ये माया से हम कभी ऊपर नहीं क्रॉस करके जा नहीं सकते। वैद्यशाह को कहते हैं ये माया विभव की उपासना 99 रिकरिंग पर्सन 9 तक करते हैं, कोई एक आध के दुख सिक्के इस माया के वैभव को नहीं चाहते। मरने दम तक श्वास चल रहा है तो कहते हैं देखो गौशाला में गायों को देखना, अभी गाय बच्चा देने वाला है, तुम लोग सब यहाँ बैठे हो बच्चे को मार देगा। अच्छा ये देखो हमारे नातनी का अभी रिश्ता होने वाला है, तुम लोग तैयारी करो जाओ। अरे ये बुढ़ा का सांस जा रहा है तभी वो चिंता कर रहा है, क्यों वो माया के वैभव में ऊपर उसको उपासना की उसका आराधना की साधु बन गए किंतु स्वाधु हो गए साधु नहीं। सद वस्तु को छोड़ करके असद ग्रहा। इससे प्रहलाद महाराज ने पिताजी को बोला ए तत्साधुमन ने असुरना ए मैं साधु की बात कर रहा हूँ हमारी बात नहीं। साधु कैसे कहते हैं ए असुर वर्ज ए तुम्हारा बुद्धि कैसा है, इतना पात हम गृह अंधकूप अंधकूप रूपी गृह में तुम्हारा मन लगा हुआ है, माया का भजन तुम करते हो, 60,000 साल तपस्या की माया का भजन किया इसलिए तुम दुखी हो और मैंने ए 60,000 साल गुरु का भजन किया और मैं सुखी हूँ। तुम्हारा हमारे में यही फर्क है, भजन तुमने भी की मैंने भी की। इससे उपास्य तत्व को पहले जानो, नहीं जानता है तो मूर्ख को पागल है। भजन तो कर रहा है किंतु कुछ नहीं। वो कहते हैं असत ग्रह तुम्हारा असत वस्तु में तुम्हारा ग्रह है इससे तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम अंदर भी कुआ में तुम पड़े हो आत्मा का पतन करने के लिए। मैं जानता हूँ इसको छोड़ करके वनमगत तो जब थोड़ी दिन मास्टर मैं वन में जाकर हरि का भजन करूँ ये बढ़िया है, तुम्हारे साथ में रहना सबसे बड़ा खराब चीज है।
उनका वैसे तत्व में निष्ठा था, पक्का जानते थे और ये माया का भजन करते थे। इसलिए चिरकाल दुखी है, बेटे से भी दुखी है, नफरत है, कहते बेटे पर शत्रु है। ऐसे जो माया का भजन करते हैं उस स्त्री में विश्वास नहीं, बेटे में विश्वास नहीं, किसी में विश्वास नहीं है, घर में नौकर चाकर में विश्वास नहीं और साधु का सब में विश्वास है। डर नहीं, क्यों? भगवान के चरणों में है, भगवान के पास है, तो किसी को संदेह क्यों करेगा? और संदेह करने के लिए कोई आएगा बोलेगा तो उनके पास जगह नहीं है, जानते हैं हमारा प्रभु तो है, काय के संदेह होगा। अब इन लोग का संदेह होता है, क्यों? माया का भजन करते हैं, माया में शक्ति नहीं है, माया में आसक्त होने वाला व्यक्ति के अंदर समस्त शक्ति से रहित हो जाता है, अपना बल वीर्य से रहित हो जाता है, माया सब खींच लेती है। अब हरिदास ठाकुर जी ने कहने लगा कृष्ण दत्त, देखो एकमात्र सर्वेश्वर है कृष्ण और उनका शक्ति विभु परात्पर है। पहले कृष्ण और कृष्ण शक्ति ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक है। और वेद मंत्र शक्ति की उपासना की बातें करते हैं और कृष्ण यदि विभु है, शक्ति उनके वैभव है। यदि भजन करना है तो अनंत वैभव में कृष्ण और कृष्ण शक्ति में अलग मत सोचो, उपासना करना है शक्ति की उपासना करो, महाशक्ति की नहीं, स्वरूप शक्ति, चित्त वैभव की, चित्त लोक की, वृंदावन गोलोक की, तब इससे क्या होगा, शक्ति प्रकाश से और वो वैभव प्राप्त करके और अनुभव होगा वैभव के, विभु के वैभव अनुभव हो जाएगा, तब लालच नहीं होगा माया के लिए, रोटी और छोटी के लिए चिंता नहीं, उस समय कभी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि जानते हैं अजगर करे न नौकरी पंछी करे न काम, दास मुलुका कहता है सबके जाता है एक राम, मनुष्य अभिमान करता है मैं काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और जो 84 लाख जोनियों में 80 लाख जोनियों में कुछ नहीं करता है उसका पेट कौन भरता है, कौन सृष्टि कर रहा है, कंदमूल खेत में कैसे हो रहा है, पेड़ में फल कहाँ से लग रहा है, पेड़ कौन लगा रहा है, ये जो अफ्रीका के जंगल है और ये सुंदरवन है, दुनिया भर के जंगल, उसमें कौन खेती करने जा रहा है, इतने जो शेर भालू चीता गंडार से लेकर इतना और पानी के अंदर इतने मछली है दुनिया, उनके कौन खेती कर रहा है, किंतु ये जो अभिमान है माया का अभिमान है, दाम्भिकता है, मैं करने वाला ये, इसके द्वारा सर्वनाश। कहते हैं तुम उधर मत देखो, चित्त वैभव को देखो, तो शास्त्र का विचार है, ये गौरांग सुंदर सुनकर के बहुत खुश है, हरिदास तुमने बड़ा अच्छा काम किया, अब तुमने भेद कर दिया, एक माया का पुजारी है, एक भगवान का पुजारी है, बस अब तक निर्णय नहीं था कौन किसके पुजारी, अब वैष्णव बनने से नहीं होता है, तिलकमाला और मूड मनाने से नहीं होता है, तुम किसके पुजारी हो, बोल पेट का नाम क्या है, बोल फलाना परिचय होते, बोल मेरा परिचय देखो फल से, तो साधु बना है तो परिचय देखो किस चीज से, आसक्ति कहाँ है, मोह कहाँ है, इसलिए हरिदास ठाकुर जी ने एकदम अलग अलग कर दी। फिर कहने लग गए देखो चित्त वैभव क्या है, अनंत तो वैकुंठ है, चित्त वैभव का ये तात्पर्य है, उनको उत्तर नाम में रुचि होगा और हरिनाम कीर्तन करेगा तो भगवान के रूप उनके हृदय में आविर्भूत होगा। माइक रूप देखने के लिए भागेगा नहीं, सिनेमा देखेगा नहीं, क्रिकेट बैडमिंटन वॉलीबॉल बास्केटबॉल और सोशल मोशल कोशल और गेम और इसी के चक्कर में पड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, साधु करके टीवी नहीं खोलेगा, न्यूज़पेपर सुबह ही लेके बैठ जाएगा, वैकुंठ वार्ता भाव प्योर नहीं बनेगा, क्या जड़गत के न्यूज देखने के लिए और उस पेपर को लेके, भागवत खोल के नहीं, मंगल आरती नहीं, विवाह रिसेप्शन नहीं, बस सुबह उठते ही आंखें खोले तो जगत का वार्ता चाहिए, न्यूज पेपर है देखो रुचि। कहते हैं चित्त वैभव प्राप्त किया नहीं, नाम किया नहीं, नाम का आश्रय लेने से वो रूप आएगा, कौन सा रूप है, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ राधा रमन राधाकांत राधा वल्लभ राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद राजबिहारी समस्त भगवान का अप्राकृत लीला समूह निशांत लीला जमी उद्युक्त होगा यदि नाम करेंगे तो। इससे ब्राह्म मुहूर्त में गुरुवर्गो ने बार बार कहा देखो ये मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त है, ये तुम्हारा हमारा नहीं, जीव के कल्याण के लिए ये मुहूर्त निर्णय किया गया, इस समय तुम नाम करो,
नाम करने से नाम ही स्वयं हृदय में आविर्भूत होंगे। उस समय आपको आप सो नहीं सकते, नींद आएगी नहीं, कब भी नहीं आ सकता है। सुबह ये ब्रह्म मुहूर्त में असुरिक बेला नहीं, ये ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय असुर लोग तो सो जाएंगे, जहाँ निशा सर्वभूता नाम तस्यांग जागृति संयमी, जस्यांग जागृति संयमी सा निशा वैश्वत मुनि। वो ब्रह्म मुहूर्त में बस दैव भावापन्न परिणाम करने वाला भगवान परिकर उस समय कभी नहीं सो सकते, उनको नींद आएगी ही नहीं और तामसी भाव आएगा नहीं, ब्रह्म भाव आएगा, ब्रह्म चिंतन करेगा, पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाएगा, उनका स्वरूप हृदय में आएगा, उनके लीला। कहते हैं ये जो चित्त में भाव वैकुंठ आदि के गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि यतनाम त्रिभुज मुरलीधर हैं, ये सब क्या है? भक्तानंद प्रद गुण अपरूप, समस्त गुण उनके हृदय में आएगा। भक्त को जानने के लिए एकमात्र भक्ति का सबसे प्रधान उपाय है, देखो वो भक्त क्या करता है, भक्ति का कीर्तन करता है, भक्त का कीर्तन करता है और माया का कीर्तन करता है। क्या कीर्तन करता है? हरिकथा नहीं कीर्तन करेगा, हरिकथा नहीं सुनेगा, हरि के सेवा नहीं करेगा, बस दिन रात उल्टा पुल्टा बातें करेगा और उल्टे पुल्टे रूप और इनकी बुराई उनकी बुराई, उनकी चर्चा उनकी खराबी है, बस उसे बैठो तो सारा दुनिया का अपना कोटली खोल के आपको देते रहेंगे बीस जय। अब भक्त का स्वरूप का परिचय दे रहे हैं, यदि भक्ति करा और शक्ति का आश्रय किया उनके अंदर भगवत गुण सब आ जाएगा। इसे बतलाए मुखम करो दिवाचाल ओम जब की बात मंग बंदे परमानंद माधव, यदि मुख भी वाचाल हो जाता है, वाचाल का मतलब दूसरे को गाली देने के लिए, परास्त करने के लिए और दूसरे को बहकाने के लिए चालाक चतुर हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ वाचालम तात्पर्य दिया अर्थात वाचो आलयम, आलयम अर्थात प्रभु के जो घर है, प्रभु है उनके वहां पहुंच करके प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वाणियों को नियुक्त कर देता है, ऐसे वाचाल होता है। ऐसे उन्होंने गाली दी थी शिशुपाल ने कृष्ण को, वाचालम बालिशम शब्दम अज्ञ मूर्ख पंडित अभिमान्यम, क्या क्या गालियां दे रहे, सरस्वती भी व्याख्या कर रहे, वहां कहती है वो सरस्वती भी ए वाचालम ये अपने वचन को कहां तक पहुंचाया, जड़ जगत के लिए नहीं भगवान के लिए तो पहुंचा दिया। इससे ध्वज से और कहते हैं उनके अंदर रासलीला और नवद्वीप में जो संकीर्तन ये दोनों रस उनके हृदय में आविर्भूत हुआ और वो व्यक्ति समस्त चित्त विभव अपराकृत उनके बाहर आ जाएगा, वो जगत में रहेगा कभी जगत में नहीं रहेगा और उनका चित्त व्यापार चित्त कार्य सब चीज प्रकाशित होगा, आखिरी में विष्णु पद में प्रतिष्ठित होगा। आज यहाँ तक रखते हैं, कल सुनेंगे।